मंदिर आंदोलन से जुड़े एक और महत्वपूर्ण चरित्र के बारे में आपको बताते हैं। ये तस्वीर देखिए, स्वर्गीय महंत श्री अभिराम दास जी की ये तस्वीर है। अनी अखाड़े से इनका संबंध था और 22-23 दिसंबर 1949 की रात जब राम जन्मभूमि परिसर में मूर्तियों का प्रगटीकरण हुआ तो सबसे पहले जानकारी महंत अभिराम दास जी को हुई। सबसे पहले उन मूर्तियों की पूजा अर्चना करने वाले अभिराम दास जी थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि मूर्तियां रखी गई, अभिराम दास जी ने वो मूर्तियां रखी थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, मूर्तियां प्रकट हुई थी। बहरहाल जो भी सच्चाई हो, महंत श्री अभिराम दास जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रकट हुई मूर्तियों की सबसे पहले पूजा अर्चना की थी। महंत जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके शिष्य धर्मदास जी हमारे साथ हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात क्या था, महंत श्री अभिराम दास जी की क्या भूमिका थी और कैसे गोरक्षपीठ के उस वक्त के महंत दिग्विजय नाथ का इस पूरे आंदोलन से जुड़ाव हुआ, क्या उनकी भूमिका रही है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हम आपसे मिलवाते हैं महंत धर्मदास जी से। हमारे साथ हैं महंत धर्मदास जी जो स्वर्गीय महंत श्री अभिराम दास जी के शिष्य हैं, अन्य अखाड़े से इनका संबंध है। महंत जी बहुत बहुत स्वागत है हमको। आप ये बताइए, आपका भी स्वागत है, कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात जब अभिराम दास जी थे जी, क्या उन्होंने आपको बताया है, क्या हुआ था उस दिन? श्रीमान जी वो अयोध्या हनुमानगढ़ी के उजनिया पट्टी में रहते थे, सिंह दरवाजा पर, हनुमान जी के अनन्य भक्त। हनुमान जी के प्रेरणा से, उनके हनुमान जी के प्रेरणा हुआ कि राम जन्मभूमि पर मूर्ति प्रकट भई, आप वहाँ पर तत्काल पहुँचिए। और वहाँ पर सब पहरेदार जहीं के तहीं सो गए। हनुमान जी के वहाँ गए पहरते से एकदम साक्षात्कार हनुमान जी प्रकट भए। उन्होंने घंटी घड़ियाल ये वो सब वहीं से बजाना अपने आप बजने लगा और महाराज जी उसको प्राण प्रतिष्ठा कराए। तब से वो मंदिर चला रहा है। महाराज जी के उस समय कहने के मतलब था कि महाराज जी जब मूर्ति के प्रथम प्रकट किए तो इतना आनंदित थे कि जैसे वो जो भगवान के देख लिया कितना आनंदित होगा, इससे कोई कहा नहीं जा सकता है। पूरा भारतवर्ष में मतलब कि चर्चा हो गया कि राम जन्मभूमि पर मूर्ति प्रकट हो गई। इस क्षेत्र में तो जैसे कि बारूद के गोला लेखा फटा प्रकट भया, सारा तरफ से चार आने लगे। उस समय जो राम जन्मभूमि के आंदोलन में बाबू गुरदत्त सिंह जी थे सिटी मजिस्ट्रेट जी, वहाँ पर तत्काल में बन मतलब कि कैसे रहे उन लोग, हम लोग मजिस्ट्रेट साहब जानते हैं, तो वो महाराज जी से भी अच्छा उनका संबंध था और उन्होंने ही सारा मतलब कि लग गए चारों तरफ से उनको हिंदू भाव के जितना हृदय में प्रेम था और कर्मठता में, लोग महाराज जी हमारे बताया करते थे, मैं भी उनका सब उनका का दर्शन किया हूँ। अच्छा अच्छा, बाबू गुरदास सिंह जी के, तो उन्होंने सारा किया और उसको चारों तरफ से जनता आने लगी। उस समय पंत जी मुख्यमंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत। पंत जी ने कहा कि जल्दी मूर्ति हटवा दिया जाए और नहीं तो सबके बाबा का अरेस्ट करने लगे लोग। महाराज जी कहे कि गोली चलाने के हो तो चलाइए हम पर। उस समय नेहरू जी के शासन था 1949 के समय, तो उस समय पूरा जनता, नेहरू जी और गोविंद वल्लभ पंत चाहते थे मूर्ति हटवा दी जाए, हटवा दिया जाए। नेहरू जी और गोविंद वल्लभ पंत इन्होंने चाहते थे कि किसी तरह से मूर्ति हटे, लेकिन उसी के में एक डीएम साहब थे नैयर साहब, उन लोगों ने भी कान उन्हीं की भी बात माने लगे, कहे कि हटाओ हटाओ, दिखाने खातिर करते हो कि कहने खातिर करते, पब्लिक में आकर के आदेश डीएम में आकर के उन्होंने तो सिटी में कहे कि नहीं गोली नहीं चलेगा। और जनता इतना उमड़ गया खुशी के लहर की पूरा कोई जन्म के भगवान प्रकट भाई एक बार दुनिया जान गई, उसी प्रकार से हुआ। इसमें मेन जो आंदोलन में उसके बाद में प्रभंस वर्मन जी बाहर से गए थे आए और इन्होंने भी धरना प्रदर्शन जितने लोग किए। अयोध्या की चर्चित संत मणिदास की छावनी का भी गोरक्षनाथ पीठ और राम मंदिर आंदोलन से गहरा रिश्ता है।
ऐसा रिश्ता जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं अयोध्या की चर्चित संत मणिराम दास जी की छावनी में, जिसके महंत आचार्य नित्य गोपाल दास जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र इस छोटी छावनी को माना जाता है, और आचार्य नित्य गोपाल दास जी जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के इस वक्त के अध्यक्ष भी हैं, हमारे साथ हैं। महाराज जी, हमको आप ये बताइए कि गोरक्षपीठ का अयोध्या से, इस छावनी से, आंदोलन से किस तरह का संबंध रहा है? यह गोरक्षपीठ जो सिद्ध पीठ है, एक से एक बढ़ करके वहाँ सिद्ध महात्मा हुए, परम श्रद्धेय श्री महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज बहुत ही कर्मठ संत थे, कर्म योगी थे। कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने अस्पताल उन्होंने बनवाए, उसी परंपरा का निर्वाह, उसी क्रम का निर्वाह परम श्रद्धेय पूज्यपाद महंत श्री आयोध्यानाथ जी महाराज ने किया। श्री राम जन्मभूमि का जब से आंदोलन प्रारंभ हुआ, चाहे वो शिला पूजन का रहा हो, चाहे गृह आरंभ का रहा हो, किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम रहा है, श्री महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और श्री महंत अवैधनाथ जी महाराज, ये दोनों महापुरुष ही उस आंदोलन के अग्रणी रहे हैं।